फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। वहां पर जो भी ग्राउंड सपोर्ट हमें हरियाणा पुलिस से चाहिए था वो हमें मिला। इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए जो सहायता और सहयोग चाहिए होता है आप जानते हैं। जो हमारे पास, जब हमारी लगातार टीमें आपकी जानकारी में है, हमारी 5 टीमें हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर दबिशें दे रही थी। यह है खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी, जो यूपी में हुए अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर के बाद तिलमिला उठे हैं। और ओवैसी इतने नाराज हैं कि एनकाउंटर को राजस्थान से जोड़कर बीजेपी पर बरस रहे हैं। ये बताओ, ये जुनैद और नसीर को क्या बीजेपी की हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? रे एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब, नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। आपको बताएं कि राजस्थान पुलिस ने भिवानी कांड के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मोनू राणा और गोगी। भरतपुर पुलिस ने कई दिनों की छानबीन और जांच पड़ताल के बाद इन्हें उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। हालांकि घटना का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर अब भी फरार है। FIR में उसका नाम था, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में अभी भी उसका नाम है। उसके बारे में अभी, क्योंकि अभी गिरफ्तार किया है, इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है। पूछताछ के बाद ही मोनू मानेसर के बारे में, इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। मोनू राणा है जिसको इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, और अभी भी हमारी कुछ टीमें राजस्थान से बाहर इनकी प्रारंभिक पूछताछ में जो कुछ बातें आई हैं उसके आधार पर इनके अन्य साथियों के लिए अभी भी दबिश में लगी हुई हैं। आपको बताएं कि भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद की हरियाणा के भिवानी में हत्या कर दी गई। गो तस्करी के शक में कुछ लोगों ने नासिर जुनैद को मार दिया। अब कल यूपी में पुलिस ने अतीक के बेटे का इनकाउंटर कर दिया, और ये एनकाउंटर होते ही ओवैसी एक बार फिर तमतमा उठे हैं। ओवैसी ने साफ साफ कहते हुए इस बार बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिया है। ओवैसी ने मुस्लिम शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी धर्म देखकर एनकाउंटर कर रही है। यूपी में उमेश पाल के मामले में एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि आरोपी मुसलमान थे, और नासिर और जुनैद के हत्यारों का एनकाउंटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो हिंदू हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला है, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है, वो भी तब जब राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी। अब देखना यह होगा बीजेपी ओवैसी के इन तीखे हमलों को कैसे लेती है। भरतपुर से सुरेश फौजदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।